इंदौर में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से होम डेकोरेशन का काम करने वाले एक शख्स को अपने पैरों का पंजा कटवाना पड़ा। डॉक्टर 5 महीने तक घर में जाकर पीड़ित का इलाज करता रहा। जब शख्स के घाव में कीड़े पड़ गए तो परिवार वालों ने उसे अस्पताल लेकर आए, जहां ऑपरेशन के बाद उसका पंजा काट दिया गया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर है। मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले कुमार सिंह यादव की शिकायत पर डॉक्टर कमल धैर्य के खिलाफ पुलिस ने 2 धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित कुमार ने बताया है कि जून 2021 में शुगर बढ़ने के चलते उनके सीधे पैर पर अंगूठा और उंगली काली पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर कमल से संपर्क किया। वो चोइथरा मंडी के पास RF3 बिल्डिंग में क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर ने गैंग्रीन होने की बात करते हुए एक क्रीम लगाने को कहा। इसके एवज में उन्होंने 5,000 रुपए लेने के बाद 15 दिन तक इस क्रीम को पैरों पर लगाने की बात कही। डॉक्टर कमल हर दिन घर आकर खुद अपने हाथों से क्रीम लगाते थे, लेकिन 15 दिन में कुमार सिंह के पैर की उंगलियां ठीक नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अगले 15 दिन तक और क्रीम लगाने को कहा, लेकिन इसके बाद कुमार के पैरों पर कीड़े पड़ गए। कटवाना पड़ा लापरवाही पूर्वक। हाँ हाँ, ये सही है। एक कुमार सिंह यादव हैं, जिनको की शुगर की बीमारी थी और उनके पैर में उंगलियों में गैंग्रीन हो गया था, तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि ये उंगलियाँ कटवानी पड़ेंगी, किंतु उनके किसी परिचित कमल मौर्य नामक व्यक्ति ने उनको बोला कि ये हम एक क्रीम बेचते हैं जो कि शुगर के घाव को ठीक कर देती है और ये आपका पैर जो है ठीक हो जाएगा और उंगली नहीं कटवानी पड़ेगी। उन्हीं की बात मान करके उन लोगों ने उस क्रीम को उपयोग किया, जिससे कि इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल गया और उनको जहाँ उंगली काटने भर से काम चल सकता था पहले, तो इनकी लापरवाही के कारण उनको अपना पंजा कटवाना पड़ा और इसी के आधार पर उन्होंने हमारे थाने पर रिपोर्ट की थी, जिस पर कल हमने मुकदमा कायम किया। सर किसके खिलाफ किया? ये कमल मौर्य नाम के व्यक्ति के खिलाफ किया है। अभी उस प्रकरण विवेचना में है और विवेचना उपरांत जो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी तरह की क्रीम बेचता था? हाँ, एक ये क्रीम बेचता था जिसमें कि वो शुगर से होने वाले घाव को ठीक करने का कहता था, उसी के कारण ऐसा हुआ है। बता दें कि आरोपी झोलाछाप डॉक्टर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।